दिल्ली में प्रदूषण के कारण लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे एंटी डस्ट अभियान, लेकिन प्रदूषण दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो दिवाली के बाद और सर्दी आने पर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, वहीं दूसरी तरफ पराली जलाने के कारण भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है, जिससे आम आदमी को सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर प्रदूषण के कारण लोगों को बीमारियों का डर बना हुआ है। सांस की बीमारी, आंखों में जलन जैसी परेशानियों के कारण लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के समय वोट मांगने सब आ जाते हैं और कई कई वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई भी हम लोगों की समस्याओं का समाधान के लिए नहीं आता है। भलसवा लैंडफिल साइट के पास हवा जहरीली होती जा रही है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है। छोटी सी उम्र में ही बच्चों की आंखों में दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। क्या नाम है आपका? रामचरण। रामचरण जी, ये भलसवा लैंडफिल है, इसके साथ में पोल्यूशन की बात करी जाए। अरे यहाँ पोल्यूशन के मारे मरे जा रहे हैं लोग, परेशान है, हर बात से परेशान है। एक तो इसका गंध बहुत खराब लगता है, जब हवा चल जाती है तो घर वालों को दिक्कत इतनी हो जाती है कि दम लेना, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, बरसात होती है तो यहाँ ऐसा फैलता पानी, जहरीला, हर आदमी को खतरा है इस बात से। इन बातों से हमें ये परेशानी हो रही है, ये गरीबी हालत में देख के नहीं है, लोगों ने ये गौर नहीं कर रही है सरकार कि हम अपना जिनका पब्लिक के लिए भला सोचे या नहीं सोचे, ये हमारी तरफ से अच्छा काम नहीं हो रहा है। क्या कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? हम यहाँ 30 साल से रह रहे हैं। कितनी बीमारियों की बात करी जाए, कितनी बीमारी होती है? बीमारियों का बहाने से कितनी बीमारी होती है साली, यहाँ पे है ही क्या जिनका, मच्छर खा गए तो सारा डेंगू का बहाने आ दिया, तभी साली ये हो गया कि तुम्हारे यहाँ से पानी के, हम पानी पी नहीं सकते यहाँ का बोरिंग कर करके। हम क्यों लैंड सरकार ये पानी की तो कर रही नहीं है, इन बातों पर तो ध्यान दे रही नहीं है, इन बातों पर ध्यान दे रही है, हमने माँ दिए जला दिए, माँ हमने ये कर दिया वो कर दिया, तुम्हारा सुरक्षा कर रहे हैं हम, ले जनता की सुविधा कर रहे हैं, क्या सुविधा हो रही है? कुछ भी नहीं हो रही है, कोई भी सुविधा नहीं। क्या नाम है सर? विजय कुमार। विजय जी, पोल्यूशन की बात करी जाए, ये खत्ते हैं, खत्ते से हमेशा आग लगी रहती है, पोल्यूशन होती है, कितनी समस्या होती है आप लोगों को? पोल्यूशन से देखो जी, समस्या तो बहुत है, सांस लेने वालों को घर में घुटन होती है, सांस लेने में घुटन होती है, गंदी से मच्छर मक्खी है, खाना पीने में परेशानी होती है, प्रदूषण से रोड पर चलते हैं जब आग लगती है तो गाड़ी से दिखाई नहीं देता कुछ, रोड पर गुराड़ी तक जो है धुआं जाता है इसका, कई किलोमीटर तक इसका पोल्यूशन रहता है। क्या जो मेन बात करी जाए, कई ऐसी अनेक बीमारी होती है, उसकी वजह से कितनी समस्या होती है आप लोगों का परिवार में? समस्या जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, किसी की खुजली हो जाती है, किसी की आंखों में, मैं आंखों से बैठे हुए हैं, आंखों से फर्क पड़ता है, सांस की बीमारी है बन रही है लोगों को, फेफड़ों में किसी को खांसी होती है, किसी को कुछ हो जाता है, प्रदूषण से बहुत परेशानी। अभी ये खत्तों का प्रदूषण तो दिखाई देता है, गाड़ियों का प्रदूषण दिखाई देता है, जो डीजल गाड़ियाँ खत्म कर दी, वो कर दिया, ये कर दिया, नाम लेंगे पराली जल रही है जी, पराली का धुआं तो दिल्ली में थोड़ी आता है, चारों तरफ की हवा चलती है, प्रदूषण के नाम पर तो इन्होंने ढोंग कर रखा है, रोजगार खत्म कर दिया है, बिल्कुल आदमी बेरोजगार हो गया, बच्चों में पढ़ने का दिक्कत आ रही है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, मेरी गाड़ी डीजल की थी, मैं कहीं बाहर जा नहीं सकता, मैं मुझे गाड़ी के चक्कर में भी 10 साल में गाड़ी खत्म कर दी। क्या नाम है सर? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार प्रजापत। धर्मेंद्र जी, यहाँ भलसवा लैंडफिल की बात करी जाए या दिल्ली में पूरी पोल्यूशन की पूरी गैस चैम्बर बना हुआ है, आप खत्ते के पास में रहते हैं, कितनी समस्या होती है पोल्यूशन से? समस्या तो देखो, समस्या को लेकर तो इतनी बड़ी परेशानी है कि यहाँ अगर सोते हैं तब भी स्मेल, इतनी स्मेल आती है, और रात को नींद भी नहीं आती अच्छी तरह, और खाना बैठते हैं, खाना खाने बैठते हैं तब भी इतनी स्मेल आती है, और हमारे को कहीं मार्केट भी जाना हो यहाँ से तो इतना गंदा पानी निकलता है कि आप वहाँ से निकल नहीं सकते हो, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे को रास्ता वही मिला हुआ है निकलने के लिए, तो हमें वहाँ से गुजरना पड़ता है। बीमारी की बात करी थी? बीमारी की बात करी जाए तो देखो, जैसे सांस फूल जाती है कई बारी, और आंखों में जलन होती है, और क्या कहते हैं, धड़कने जैसे
सुई की तरह चलती है, घड़ी घड़ी की तरह चलती है, तो कई बार धड़कने स्पीड ऐसे हो जाती है जैसे अभी सांस फूल गई है, मतलब बहुत ज्यादा परेशानियां होती है। तो यहाँ रह रहे हैं, मजबूरी है हमारी। हम कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? हम यहाँ 30 साल से रह रहे हैं। और समस्या की बात करीजिए, इस पर क्या सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है? सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। आज से 5 साल पहले ये कहा था कि ये लैंडफिल बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार को भत्ता या कुछ भी जाता है, ये काम चालू रहता है, रातों दिन चालू रहता है। यहाँ सिर्फ प्रदूषण के अलावा और कुछ नहीं। बच्चों की बात करीजिए, तब बच्चों के किस तरह से को बहुत परेशानियां होती हैं छोड़ने में, सुबह स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, वो वहाँ इतना गंदा पानी निकलता है कि मतलब बड़ी मुश्किल से हम उस चीज को 2 कदम रख के पार कर पाते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए। और अभी 2-4 महीने पहले इसमें कम से कम 3 महीने तक आग नहीं बुझी थी, इतना पोल्यूशन हो रहा था यहाँ। तो बहुत परेशानी है। और यहाँ पे MCD से आते हैं कि जी यहाँ कूलर चेक कराओ और नालियाँ चेक कराओ, तो सब नालियाँ कितनी भरी पड़ी हैं और हमारे को चलान करने की धमकी देते हैं, लेकिन इस पे लैंडफिल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जाती।